नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट व भारत के पिछले 4 मुख्य न्यायाधीश से जुड़े उनके ट्वीट के लिए अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सजा नहीं सुनाई है, सजा पर बहस होने के बाद इसे 20 अगस्त को सुनाया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में आरोप लगाया था कि न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान अदालतों को बंद रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश बोबड़े की आलोचना की। आज से राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। शुरुआत में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर दिया। सत्र से पहले विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी भी अविश्वास मत प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन गहलोत ने पहले ही चाल चल दी। अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनकी सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया है। बताया जाता है कि 15 अगस्त के लिए सुरक्षा में इनको तैनात किया गया था। हमले के बाद इलाके की घेरेबंदी कर ली गई है और आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नरम रुख अपनाया है। राउत ने कहा कि उन्होंने सुशांत सिंह के परिवार को बस शांति रखने के लिए कहा था, लेकिन उसको धमकी की तरह दिखाया गया। राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पर भरोसा कीजिए और अगर आप लोगों को लगे कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो CBI के पास जाइए। उन्होंने कहा कि वो खुद सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं। सुशांत उनका बेटा था और बॉलीवुड मुंबई का परिवार है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है, वह अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने आज सुबह बुलेटिन जारी कर पूर्व राष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी है। भारत में बीते 24 घंटों में 64,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,007 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 24,61,000 से अधिक हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 48,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,61,000 से ज्यादा हैं। भारत ने एक्टिव मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव मामलों के केस में अब बस अमेरिका से ही भारत पीछे है। भारत में एक्टिव मामले जहां 6,53,000 से अधिक हैं, तो ब्राजील में एक्टिव मामले 5,54,000 से अधिक हैं। ये तब है जब ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 32,00,000 से अधिक है। भारत में पिछले एक दिन में 8,48,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे टेस्टिंग का कुल आंकड़ा 2,76,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की कुल संख्या 2,08,00,000 से अधिक हो चुकी है और कुल मृतकों की संख्या 7,54,000 से ज्यादा है। फिलहाल 1,39,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,48,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 1,67,000 हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की कुल संख्या 32,24,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 1,05,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक समझौता किया है। ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। बता दें, अब तक इसराइल के अरब देशों के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन ईरान से जुड़ी चिंताओं ने इन दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक संपर्क को जन्म दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते से फलिस्तीनी नेता कथित तौर पर हैरान हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के एक प्रवक्ता ने कहा, यह सौदा राजद्रोह से कम नहीं है और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद फलिस्तीनी राजदूत को वापस बुलाया गया है। दक्षिण पूर्वी मॉरिशस के तटीय इलाकों और लैगून के नजदीक जापान के स्वामित्व वाले जहाज से तेल रिसाव होने की घटना सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होगा। उनका कहना है कि भले ही तेल रिसाव बहुत दूर तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी जगह हुआ है जिससे पर्यावरण पर संभावित गंभीर असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस तेल रिसाव की वजह से लैगून का नीला पानी काला और भूरा हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।